अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू कुक विद सारा। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही सिंपल और इजी रेसिपी से मुगलई पराठा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मुगलई पराठा बनाने के लिए सबसे पहले हम आटा गूंद लेंगे। तो यहाँ पर हमने ले लिया है 2 कप मैदा। मुगलई पराठे की ये रेसिपी आप लोग एंड तक देखिएगा क्योंकि ये बहुत ही सिंपल और ईजी है। हमने इसमें डाल दिया है हसबे जायका नमक और साथ ही डालेंगे 2 टेबलस्पून घी। आप चाहें तो इसमें बटर भी डाल सकते हैं क्योंकि हमें इसे खस्ता बनाना है। तो इस तरीके से हाथों की मदद से हम इसके क्रम्स बनाते जाएंगे। अगर आपको ज़रूरत महसूस हो तो आप इसमें मज़ीद घी भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमने 1 टेबलस्पून घी और डाल दिया है और इसी तरीके से हाथों की मदद से इसके क्रम्स बनाते जाएंगे। बहुत ही ज़बरदस्त और सिंपल और इजी से ये रेसिपी जब आप बनाएंगे तो इंशाल्लाह घर वालों को बहुत ही पसंद आएगी। मज़ीद थोड़ा सा इसमें घी डालेंगे और दोबारा से इस तरीके से हाथों की मदद से क्रम्स बना लेंगे। देखिए इस तरीके से हाथों में लेके इस तरीके से करेंगे तो क्रम्स हमारे बन गए। अब हम ठंडे पानी का इस्तेमाल करते हुए आटा गूंद लेंगे। पानी थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और अच्छा सी डव तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए डव हमारी तैयार हो गई है, ना ही ज़्यादा सॉफ्ट है और ना ही ज़्यादा सख्त। मज़ीद इसे 2 से 3 मिनट के लिए गूंदेंगे। अब हम बोल को ग्रीस कर लेंगे, साथ ही डव को भी ग्रीस कर लेंगे और इसे साइड पर रख लेंगे 30 मिनट के लिए और अपनी पराठे की फिलिंग तैयार करेंगे। अच्छे तरीके से बोल को और डव को हमने ग्रीस कर लिया। अब हम इसे साइड पे रखते हैं और मिलते हैं आपसे आधे घंटे बाद। तो यहाँ पे हम इसकी फिलिंग तैयार कर लेते हैं। तो एक वोक में हमने ले लिया है 3 टेबलस्पून ऑयल। इसमें डाल देंगे 1 मीडियम साइज़ छोटी छोटी कटी हुई प्याज और प्याज को हम ट्रांसल्यूसेंट होने तक फ्राई करेंगे। ध्यान रहे कि फ्लेम आपका मीडियम ही होना चाहिए। प्याज हमारे ट्रांसल्यूसेंट हो चुके हैं तो हमने इसमें डाल दी है जो छोटी हरी मिर्च जिसे हमने चॉप कर लिया है। इसे अच्छी तरीके से हम सौते कर लेंगे। ध्यान रहे कि फ्लेम आपका मीडियम ही होना चाहिए। अब हम इसमें डाल देंगे 1/2 किलो बीफ कीमा। मुगलिया पराठे की ये रेसिपी बहुत ही आसान है और बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। आप लोग इसे ज़रूर एंड तक देखिएगा और घर में भी ज़रूर बनाइएगा। अच्छे तरीके से कीमे को इसके साथ हम भून लेंगे और कीमे का पानी खुश्क होने तक इसको पकाएंगे। कीमे को हमें उस वक्त तक पकाना है जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए और इसका तमाम पानी खुश्क ना हो जाए। तो देखिए कीमे का पानी खुश्क हो चुका है और उसका कलर भी चेंज हो गया है। तो अब हम स्टेप पे इसमें डाल देंगे जिंजर गार्लिक का पेस्ट। तो यहाँ पे हम इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक और ग्रीन चिली का पेस्ट। इसकी रेसिपी हम आपके साथ शेयर कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी तो आप जिंजर गार्लिक और ग्रीन चिली के पेस्ट की रेसिपी नीचे लिंक आपको दे दिया गया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। और अच्छा सा मज़ीद टेस्ट देने के लिए हम इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून चिकन टिक्का मसाला। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी नहीं पसंद तो आप इसमें चाट मसाला भी डाल सकते हैं। यहाँ पे हमने चिकन टिक्का मसाला यूज़ किया है ताकि इसका टेस्ट मज़ीद बढ़ जाए और ये थोड़ा स्पाइसी भी बन जाए। मीडियम फ्लेम पे अच्छे तरीके से चिकन टिक्का मसाला को कीमे के साथ मिक्स कर लेंगे। अब धीमी आंच पे 10 मिनट के लिए इसे ढक के पकाएंगे। 10 मिनट हो चुके हैं, कीमा हमारा तैयार है। हल्का सा इसे मिक्स करेंगे और इसका चूल्हा बंद कर लेंगे और अब हम अपने पराठे बनाने की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे हमने ले लिया है 1 अंडा। इसमें हम डाल देंगे बड़ी हरी मिर्च, साथ ही डालेंगे हसबे जायका नमक और 1/2 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर और अच्छे तरीके से अंडे को फेंट लेंगे। अंडा हमने फेंट लिया है। अब हम सरफेस को अच्छे तरीके से ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। जो डव हमने तैयार की थी उसके इस तरीके से छोटे छोटे हाथों की मदद से पेड़े बना लेंगे। हाथों की मदद से पेड़े को इस तरीके से अच्छे तरीके से फैलाते जाएंगे। हमें एक रोटी की तरह बेलना है। पहले हम हाथों की मदद से इसे करेंगे। देखें इस तरीके से फैलाते जाएंगे। हमें एक बड़ी सी रोटी तैयार करनी है।
अब इसे बेलन की मदद से कर लेंगे। रोटी हमारी पतली होनी चाहिए और थोड़ी सी बड़ी होनी चाहिए, साइज़ का बिल्कुल भी वो नहीं है। ज़रूरी नहीं कि आपकी रोटी गोल हो, क्योंकि हमें पराठे अरबी पराठे की तरह बनाने हैं। तो दोनों साइड से इस तरीके से हमने पराठे को फोल्ड कर लिया और इसके सेंटर में हम डाल देंगे फिलिंग जो अभी हमने तैयार की है। बहुत ही ज़बरदस्त फिलिंग है क्योंकि हमने उसमें डाला है चिकन टिक्का मसाला। अब हम इसमें डाल देंगे अंडे का मिक्सचर जो अभी हमने तैयार किया है। तकरीबन 2 टेबल स्पून हमने इसमें डाला अंडे का मिक्सचर और अब हम इसे इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। पहले एक किनारे को उठाएंगे और सेंटर में रखेंगे। इसी तरीके से दूसरे किनारे को उठा के सेंटर में रख दिया और हाथों की मदद से इसे इस तरीके से पैक कर लेंगे। अब इसे साइड पे रखते हैं और इसी तरीके से बाकी अपने मुगलिया पराठे तैयार करते हैं। इसी तरीके से सारे मुगलई पराठे तैयार कर लेंगे और इसे साइड पे रखते जाएंगे। यहाँ पे हमने एक छोटा सा फ्राइंग पैन ले लिया है और इसे अच्छे तरीके से ऑयल से ग्रीस कर लिया। फ्लेम हमारा मीडियम है और इसके ऊपर रख दिया है अपना मुगलई पराठा। इसे 3 मिनट के लिए एक साइड से सेकेंगे और 3 मिनट के लिए ही दूसरी साइड से। जैसे ही एक तरफ से अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ जाएगा, हम इसकी साइड चेंज कर लेंगे। तो देखिए एग्जैक्टली हमें यही कलर चाहिए। तो 3 मिनट के लिए इसे दूसरी साइड से हम फ्राई करेंगे। इसे हमें शैलो फ्राई करना है। 1 मिनट के लिए इसे साइड पे करेंगे और फ्राई पैन में मज़ीद ऑयल या घी डालेंगे। अच्छे तरीके से उसे फैला लेंगे और इस तरीके से इसे खड़ा करके रखेंगे ताकि साइडों से भी ये पक जाए। दोनों साइड से अच्छे तरीके से इसे पकाना है और अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर देना है। ऊपर और नीचे से भी इसे हम फ्राई कर लेंगे। 2 मिनट के लिए इसे इस तरीके से रखेंगे ताकि मुगलई पराठा हमारा तैयार हो जाए। बहुत ही सिंपल और इजी रेसिपी से ये पराठा हमारा तैयार हो गया। इसी तरीके से हम बाकी सारे फ्राई करेंगे। ध्यान रहे कि फ्राई करते वक्त आपका चूल्हा मीडियम होना चाहिए। अब इसे उतारते हैं और कट करके आपको दिखाते हैं। इस रेसिपी को आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को भी लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। कमेंट्स करके हमारा हौसला ज़रूर बढ़ाइएगा। अल्लाह हाफिज़। हैव अ नाइस डे।